टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर है। हाँ, वो एक ही बात है, टर्नरी बोल दो या कंडीशन ऑपरेटर बोल दो, सेम चीज। ठीक है, इसका भी यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का। ये सब नोट कर लेना, था मैं समझाता हूँ काम करेगा। नोट करो, फिर वह समझाता हूँ। सब लोग नोट कर लो, टर्नरी ऑपरेटर सब नोट कर लो, फिर समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है वो। क्या सर नोट करना है? ये टर्नरी ऑपरेटर का कोड, स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? नो सर, नो सर, नहीं शो हो रहा। बाकी लोगों को मैसेज क्यों हो रही है? यस सर, हो रहा है। जिसको नहीं हो रहा है उसका नेट स्लो चल रहा होगा। सर मेरा नहीं हो रहा। तो नेट दोबारा ज्वाइन करो। अरे तो नेट आप दोबारा ज्वाइन करो ना, नेट बचा कर रखा करो, नेट बचा के आप लोग अपने अपने। सर नेट बचा है नेट, नेट बचा रखा करो। फिर तो बाकी लोगों का स्क्रीन शेयर हो रही है तो फिर आप लोगों की। सर अब नहीं हो रहा। हाँ मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, देखो। देखो अब हो रहा है सबको? यस सर। चलो यस लो, अभी नोट करो टर्नरी ऑपरेटर। ये इतना कोड नोट करना है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, एक बार नोट कर लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट कर ले सब लोग। हो गए हो गया। चलो अब समझो सब लोग, अब थोड़ा सब समझे। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर में इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे, जैसे अपने अभी अपने क्या सीखा था, इफ एल्स सीखा था ना, इफ एल्स, इफ एल्स में क्या होता है कंडीशन चेक होती है ना, उसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर में भी क्या चेक होती है, कंडीशन। बस इसमें फर्क क्या है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, एक ही लाइन में चलता है पूरे, देखो ठीक है, एक ही लाइन में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ए इक्वल इक्वल 500,
क्या इक्वल इक्वल 500 है सब लोग, है ना? यहाँ 500 तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा? ट्रू। और अगर नहीं होगा तो कोलन के बाद क्या चलेगा? ये वाला पार्ट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा पार्ट चलेगा? ये वाला। और कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा पार्ट चलेगा? ये वाला। और जी लगाए क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है क्या ए इक्वल इक्वल 500 है, अगर होगा तो ट्रू किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? बी के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे 5000, तो अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा? फॉल्स। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। सिंपल सा है टर्नरी ऑपरेटर, अभी सीख के आए फेल्स आप लोग। देखो फॉल्स आ रहा है, बस इसमें क्या है कि एक की लाइन में हो जाता है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500, देखो ये 500 और रन किया, देखो ट्रू हो गया। बात समझ आ रही है? अब इसी का ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका। इसमें हमने क्या किया, बी नाम के ले लिया वेरिएबल। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो ये ट्रू किस में जाकर स्टोर हो जाएगा? इस बी के अंदर। और अगर फॉल्स होगा तो बी में जाकर स्टोर हो जाएगा। लिखने के तरीके है ना, है ना ऐसे? ये वाला तरीका। इसमें हमने क्या किया, साथ में स्ट्रिंग और ले लिया, ठीक है? तो आउटपुट क्या आएगा? वैल्यू इज ट्रू या वैल्यू इज फॉल्स। देखो आया, देखो वैल्यू इज ट्रू, है ना? हमने क्या किया, इतना पार्ट इसमें जोड़ दिया। अगर मैं हटा दूंगा तो सेम वही चीज बन जाएगा, देखो सिंपल ट्रू आ जाएगा, है ना? साथ हमने क्या किया, इसमें मैसेज प्रिंट करा रहे हैं हम लोग। बात समझ आ गया टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है? सब लोग यस सर। सर एक और दूसरा लाइन वाला बताना सर, बी इज इक्वल टू ए। देखो बी अगर मैं इसके यहाँ लिख दूँ वेर, उसका मतलब क्या हुआ, बी क्या है, वेरिएबल बन गया, ठीक है, बन गया बी वेरिएबल। मैं लेट लगा देता हूँ, लेट यूज करते हैं, ठीक है? तो अब लेट लग गया तो बी यहाँ पे क्या बन गया? अब दो दो ऊपर लेट लग चुका ना, तो यहाँ पर लेट नहीं लगेगा, ऊपर लेट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखने जरूरत नहीं, पर लिखा है ना लेट। तो बी क्या है बता, बी यहाँ पे वेरिएबल है ना, आप इस बी के अंदर ये चीज स्टोर कर रहे हो, कर रहे हो। अब बी में क्या स्टोर होगा, हमने बी के अंदर एक कंडीशन डाल दी, अगर ए इक्वल इक्वल 500 होगा तो ये ट्रू किस में जाकर स्टोर हो जाएगा, इस बी के अंदर। अब फॉल्स होगा तो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है? वही सेम तरीका है यहाँ पे। यहाँ पे साथ में क्या, एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूँ साथ में, बाकी ट्रू होगा तो बी में चला जाएगा, फॉल्स होगा तो बी में चला जाएगा। आ रहा है समझ? तरीका है, वो लिखने का तरीका है, बस है लिखने के तरीके होते हैं टर्नरी ऑपरेटर के, इसका सिंगल लाइन में होता है। हाँ सिंगल लाइन में होते हैं, ठीक है? इसका यूज बहुत ज्यादा आगे चल के होगा भाई। अब बनाओ सब लोग, इतना सबका हो गया टर्नरी ऑपरेटर। देखो हमने इफ एल्स सीख ही लिया था, अब बनाओ फाइल elseif.html नाम से, elseif.html, elseif। देखा ना जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक होती हैं, हेलो सुना है नाम elseif। अब देखो हम सब लोग सर क्या बना रहे हैं, elseif इसके नहीं सोच रही क्या, माइक बंद कर लो इसका माइक चालू है। अब देखो यहाँ पे इफ क्या ए इक्वल इक्वल बी के है, ठीक है? अगर होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ राइट, ठीक है? यस कर देता हूँ, यस, ठीक है? अगर इक्वल इक्वल होगा तो समझ आ गया। अब मैंने ये भी लगा दी एल्स,
एल्स इफ। अब मान के चलो ए और बी इक्वल इक्वल नहीं हुए, ठीक है, ये सब सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में। तो फिर मैं क्या चाहता हूं, अब मैं देख रहा हूं क्या ए इक्वल क्या बी इक्वल इक्वल सी है क्या, ठीक है। तो जी क्या चल रहा है हमारा, एल्स इफ, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब मांगे चलो ए इक्वल इक्वल बी भी नहीं हुआ या फिर बी इक्वल इक्वल सी नहीं हुआ, तो फिर एक और चेक कर लेते हैं अपन। क्या एल्स इफ के अंदर क्या होता है सब लोग, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो भाई ये वाली ट्रू हो जाए, अगर ये ट्रू नहीं तो ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब मल्टीपल लॉग इन करते हैं ना हम लोग, तो वहां पे अपन इसका यूज करते हैं जहां पे मल्टीपल कंडीशन चेक करानी होती है। अब मान के चलो इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लास्ट में आउटपुट क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट राइट के अंदर नो लिख देता हूं मैं, नो, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब जैसे पहली कंडीशन कोड चलेगा कैसे, पहले ये कंडीशन चेक होगी, ए और बी इक्वल इक्वल है नहीं है, चलो भाई। फिर अब जी एल्स पे नहीं जाएगा, अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ वाली, क्या बी इक्वल इक्वल सी है, नहीं ये भी नहीं है। अब फिर ये वाला चेक करेगा क्या ए इक्वल इक्वल सी है, ये भी नहीं है, है ना। तो अब सबसे लास्ट में आ जाएगा, जब सारे इक्वल नहीं हुए तो सबसे लास्ट में कौन सा प्रिंट कर देगा, सब लोग नो वाला प्रिंट कर देगा, आउटपुट सिंपल सा है ना बिल्कुल। Yes, ना? चलो नोट करो इसको, तो बड़ा प्रोग्राम दिखाता हूँ उसका। मतलब सर इफ एल्स में सर दो कंडीशन चेक करते हैं, इसमें दो से ज्यादा कंडीशन चेक करते हैं। हाँ इसमें दो से, तभी तो इसको बोलते हैं एल्स इफ, मल्टीपल कंडीशन चेक होती है इसके अंदर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर, इसमें ये पूछना था मेरे को, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हमारा प्रिंट कराने के लिए यूज हुआ है, ऐसे अगर हमारे को लिखना हो या रीड कराना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या रीड कराना हो। आप बोलो बोलो क्या क्या लिखना हो। जैसे हमारा आपने जैसे सर कुछ भी अगर हमको लिखवाना हो बाय डिफॉल्ट हमारे को वहां पर जाके लिखवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें, जैसे सी के अंदर हमारा स्कैनएफ होता था। अच्छा अच्छा, यूजर से इनपुट कराना हो, यूजर से इनपुट, यूजर से, हां यूजर से, हां। तो यहां पे अपन यूज करेंगे प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे सर। एक और दिखाएंगे, अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पहले चलो प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट का। अभी कराएंगे इसका यूज, अभी इसका यूज होगा, पहले इतना तो करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। सब नोट करो, हो गया सबका ये वाला नोट। यस सर, कर रहे हैं सर। सर दो मिनट रुक जाए, दो मिनट से कर लो, आराम से कर लो। ध्यान रखना मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं अच्छे से आई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं अच्छे से पढ़े, तो फिर आगे चल के डेवलपमेंट में दिक्कत होगी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चक्कर में सब नोट कर लो, नोट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया, चलो सबका नोट हो गया, सबका नोट हो गया। कर लिया,
अब देखो तुम लोग, अब ये प्रोग्राम दे पा लो मुझे, अब बताओ इसमें आउटपुट क्या आएगा, बताओ यहाँ पे क्या लिखा मैंने, परसेंटेज में 100, तो बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू होगी और क्या आउटपुट आएगा। सिखा चुका हूं कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, जल्दी बोलो। इतना टाइम लगेगा बताने में? सर यू आर इन मैरिट फर्स्ट प्लीज एंटर, प्लीज एंटर बेल नंबर। धन्यवाद आप लोग, मैंने फिर अभी समझाया था, कल भी लास्ट क्लास में बताया, सब लोग थोड़ा समझो, थोड़ा दो मिनट मेरी बात सुनो पहले। सर फर्स्ट वाला है, देखो पहले सब लोग थोड़ा समझ लो कि हम लोग, हमने पहला पॉइंट जब मैंने आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया था कि जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है। दूसरा क्या बताया था कि कोड हम लाइन बाय लाइन चेक करते हैं, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में कोड चेक कैसे होते हैं लाइन। और मैं कल भी आपको बताया था कि जब भी हम कोई कोड देखेंगे तो लाइन बाई लाइन चेक करेंगे, ऐसे नहीं कहीं भी देख के तुक्के लगा दो कुछ भी। जब तक आप लोग ये कोड को रीड करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप नहीं सीख सके कोडिंग करना। देखो डिजाइनिंग की बात अलग थी, डिजाइनिंग की बात अलग थी, ये चीज अलग हो गई, ये प्रोग्रामिंग आ गई। तो इसमें आप पहले देखो, मैं फिर समझा रहा हूँ ये चीजें। देखो आप सबसे पहले लाइन नंबर 7 देखोगे, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, प्री लिखा है 100। फिर आप लाइन नंबर 8 पे आओगे, फिर लाइन नंबर 9 पे आओगे, आओगे इस पे। अब जब तक ये लाइन को रीड ना कर लो तब तक नीचे नहीं आना है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर आपको सीखना है प्रोग्रामिंग, आगे चल के डेवलपमेंट करना है, तो ये गलतियां छोड़ते जाओ। ये तो बहुत सिंपल सिंपल से कोड है, जब बैकएंड पे काम करोगे तो वहां पे एरर्स आती हैं, कोड रीड करने होते हैं, ठीक है ना। अब लाइन नंबर 9 पे क्या लिखा है पढ़ो, साफ साफ दिख रहा है देखो कि परसेंटेज बड़ा या इक्वल है 80 के। मैं इसलिए शुद्ध हिंदी पढ़ाता हूँ जिससे आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। लिखा है ना परसेंटेज बड़ा या इक्वल है 80 के, बताओ सही बात है। अब यहाँ पे क्या लग गया एंड, तो एंड का मतलब क्या होता है कि ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो। बाकी लोगों की आवाज कट के आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, अरे स्क्रीन नहीं दिख रही सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर अब देखो आवाज सही, सर स्क्रीन भी नहीं दिख रही सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ एक मिनट आ रही है, एक मिनट बस, एक सर अटक गया, एक मिनट बस। यस सर देख रही है। हाँ अब देखो, अब देखो ठीक है, अब थोड़ा फिर समझो एक बार स्टार्टिंग से। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ये बताओ कि इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, तो अब आपको सोचने में इतना टाइम लग गया, और सोच के तो आप भी क्या बोले, कुछ लोग बोले प्लीज एंटर वैल्यू परसेंटेज, और कुछ लोग बड़ी देर में बोले कि यू आर इन मैरिड, तो इतना टाइम कैसे लगा, बस समझ में नहीं आया मुझे। मैंने आपसे कहा कि इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, तो आप ये नीचे का कोड देखो ही नहीं, इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। हमने क्या सिखाया, पहले आप देखो कि क्या चेक करना है। हमने कहा कि यहाँ परसेंटेज लिखा है 100, ठीक है, तो अब आप लाइन नंबर 9 पे आओगे। अब यहाँ लिखा है कि परसेंटेज बड़ा या इक्वल है 80 से, सही बात है, 100 है, तो जो है लाइन सही हो गई। फिर एंड लग गया, अब एंड लग गया तो दोनों कंडीशन सही होने चाहिए। अब यहाँ लिखा है कि परसेंटेज छोटा या इक्वल 100 से, ये भी बात सही है। देखो इक्वल लगाना बीच में, तो जो वाली भी कंडीशन ट्रू होगी नहीं होगी, दोनों सिखाया था ना अगली पिछली क्लास में कंपैरिजन ऑपरेटर, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो आउटपुट क्या आएगा, यू आर इन मैरिड आएगा। मैं नीचे क्यों जाऊं ढूंढने के लिए, पहले आप अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, या तो वही है आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या आप घर पे पढ़ नहीं रहे हो। जब यहाँ पे इक्वल लग गया, मैं ये डालता हूँ, अब मैं रन करता हूँ कोड को, ओपन विद लाइव सर्वर, अब आया प्लीज एंटर वैलिड परसेंटेज, ठीक है।
अब जब मैंने यहाँ पे इक्वल लगा रहा हूं, आप देखो ना, आप इक्वल चल रहा है, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर होने चाहिए, तो बराबर है ना, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो पहले जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब आप ज्वाली कंडीशन चेक करो, फिर जब ज्वाली फॉल्स हो जाए तो ज्वाली करो, फिर ज्वाली फॉल्स हो जाए तो ज्वाली चेक करो, है ना, ऐसे कोड चेक करा करो। अब बताओ आप लोग क्या आउटपुट आएगा। अब मैं लिखा है ऊपर 40 ट्रू होती है क्या? नहीं, एक साथ ट्रू कैसे हो जाएंगे, अगर ये पहली ट्रू गई फिर इस पे जाएगा ही नहीं। एल्स इफ का मतलब क्या होता है, इफ एल्स का मतलब क्या होता है, इफ एल्स की कहानी क्या है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो पहली कंडीशन ट्रू होगी दूसरे पास क्यों जाएगा। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा आप लोग घर पढ़ा करो, बहुत जरूरी है। हाँ, क्या आएगा बाकी लोग बताए, क्या आएगा बाकी और लोग, दो आ जाएंगे बस वेज के अंदर, आप सब बीटेक के स्टूडेंट हो ना सारे सारे, है ना, तो इतना टाइम नहीं लगाया करो, ठीक है। देखो यहाँ जब मैंने लिखा 40 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 80 और 100 है, ये फॉल्स हो जाएगी। देखो पहला सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एंड लग गया, परसेंटेज बढ़ा है साइड से छोटा है, यहाँ परसेंटेज बढ़ा है 45 से छोटा है, यहीं देख लो ना सी सीधा, अब परसेंटेज बढ़ा है, हाँ 33 से बढ़ा है ना परसेंटेज 40 अपना, हाँ अब ये देख लो क्या परसेंटेज छोटा है 45 से, हाँ तो आ गया। ऐसे क्यों नहीं देख रहे आप लोग, सीखो चीजें। अब बताओ क्या आएगा आउटपुट, चुपचाप बैठे नहीं प्रैक्टिस करोगे तो हमें क्या, आप ही प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। ये तो आपने सी में पढ़ा होगा, पाइथन पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, इसमें सब चलती है। एक मिनट, अब आउटपुट क्या आएगा, बाकी लोग आवाज, अब क्या आ रहा आउटपुट, डिवीजन अब बताओ क्या आएगा, अब क्या आएगा, इंटरवल वैलिड परसेंट, बाकी लोग अब क्या आएगा, सर प्लीज सेंट्रल वैलिड प्ले पर प्लीज सेंटर वैलिड सर वैलिड परसेंट। हाँ अब समझ में आया, आ गया ना कोड चेक कैसे कर रहे हैं, ये याद रखना आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोड लाइन बाई लाइन चेक होते हैं, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर इफ एल्स का यूज ना होता, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है सर, ठीक है। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को, अब आ ही नहीं रही है, अब आ गई, अब तो आ गई होगी, ये सर आ रही है फिर चली भी नहीं रही है, हाँ अब सही होगी ना, अब तो आवाज नेटवर्क सही कर दिया, अब वॉइस आ गई, अब ठीक, सर इसको नोट करो आप लोग, नोट करो, यस सर, देखो इसके बाद, अब इसके बाद देखो स्विच केस, एक बनाओ फाइल स्विच केस नाम से, सर जावास्क्रिप्ट हमारा ऊपर कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है, जो इसमें भी सारी चीज जावा की तरह सेम है, सब प्रोग्रामिंग सेम ही होती है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम है, ठीक है, यही मैं समझा रहा हूँ थे टाइम से आप लोगों को, अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे सर किस स्विच केस, देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2024, आप गूगल पे जाके सर्च करो तो आपके सामने सब खुल के आ जाता है, देखो दिख रहा है पाइथन जावास्क्रिप्ट, दिख रही चीज़ें, दिखा रहे हैं आप लोग चीज़ें,
शाम ऊपर ही गूगल दे रहा है तुरंत ऊपर से सबसे ऊपर दिखा रहा। और इस समय दो ही फेमस सबसे ज्यादा चल रही है, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसी में क्या बोला, देखो जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वेब डेवलपमेंट पाइथन से करो, चाहे जावास्क्रिप्ट से करो, चाहे जावा से करो, किसी से भी करोगे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए आपको। बिना उसके आप सॉफ्टवेयर बना ही नहीं पाओगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी तो लॉजिक कैसे लिख पाओगे, है ना। इसीलिए अब देखो स्विच केस का नाम सुना है आप लोगों ने, सुना होगा, पढ़ी होगी तो सी प्लस प्लस थ्री पढ़ी होगी तो, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, केस चेक करते हैं, याद होगा सबको, है ना। जो प्रोग्राम अभी आपने एल्स इफ से बनाया था ना, एल्स इफ से, टास्क सुन लो बोलो, ये जो प्रोग्राम आपने अभी एल्स इफ से बनाया है ना, इसी प्रोग्राम को आप लोग घर से किससे बनाओगे, स्विच केस से बनाओगे। ठीक है, याद रखना, स्विच केस में हम लोग क्या करते हैं, केस चेक होते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा प्री के अंदर ए, तो अब ये क्या चेक करेगा, अगर मैं लिख देता हूँ ए वन मांग चलो, तो इस प्री के अंदर क्या आ गया होगा, ए वन आ गया होगा। अब केस चेक होगा, पहला केस तो यहाँ तो ए लिखा हुआ है, तो क्या करेगा ये ब्रेक क्या करेगा, इस केस से बाहर आएगा, है ना। अब यहाँ पे केस दूसरा चेक होगा, पी लिखा है ये भी फॉल्स हो गया, केस तीसरा ये भी फॉल्स हो गया, लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा इसमें, एंटर द वैलिड डे। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए। ठीक है, तो अब कौन सा केस ट्रू हो जाएगा इसमें, मंडे हो जाएगा मंडे। अब यहाँ पे ब्रेक का क्या रोल है, जानते हो आप लोग, यहाँ पे ब्रेक क्या रोल, यहाँ पे जैसी कंडीशन सही होगी वहीं पे हो जाएगा हमारा। हाँ, ब्रेक से अपन, हाँ, और ब्रेक से अपन बाहर निकल जाएंगे। देखो अगर मैं ब्रेक हटा देता हूँ, मैंने ब्रेक हटा दिया, सब समझो यहाँ पे चीजें, पूछ लेते हैं ब्रेक का यूज क्यों करते हैं। देखो मैं ब्रेक हटा दिया, तो अब आउटपुट आप देखना क्या आएगा, सारे आ रहे हैं, जबकि क्या हुआ, कंडीशन तो यहाँ पर ट्रू हुई थी ना, सब लोग कंडीशन तो यहाँ ट्रू हुई था, तो अब इसको बाहर निकलना चाहिए था ना, स्विच केस से बाहर निकलना चाहिए था, मगर नहीं निकल पाया ना, क्योंकि अपन ने क्या यूज नहीं किया, ब्रेक का, ब्रेक। पहला पॉइंट समझना। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ A1, अब इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है, नो सर, तो अब आउटपुट क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा लास्ट में, एंटर अ वैलिड वीक, एंटर द वैलिड वीक डे। ठीक है, आया ना। तो यहाँ पे ब्रेक का क्या रोल हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक का रोल क्या है, अगर कोई भी केस आपका अगर ट्रू हो जाता है, अगर हमारा ये पहला वाला केस ट्रू हो गया था, तो बाकी के केसों को ना चेक करे वो, इसलिए ब्रेक से क्या होगा, हम केस से बाहर निकल, जब रिएक्ट पढ़ते हैं ना आगे चल के, तो वहां पर अपन स्विच केस का यूज करते हैं। तो अब यही प्रोग्राम, ये जो ऐसे वाला प्रोग्राम है ना, यही सेम प्रोग्राम आपको किससे बनाना होगा, स्विच केस का यूज करके। आगे बात समझे, क्लियर हो गया, अब इसको नोट कर लो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं अपन लोग, है ना, और यहाँ पे अपन केस चेक करते हैं। और जब आप ये वाला प्रोग्राम इससे बनाओगे, फिर मैं आपसे डिफरेंस पूछूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको। ठीक है, फिर आप लोग मुझे खुद बताओगे कि सर ये डिफरेंस है दोनों में, नोट करो इसको आप लोग, सब नोट कर लो। ब्रेक का मतलब समझ में आ गया, ब्रेक का मतलब, ठीक है।
सब नोट कर लो। सब नोट कर लो। सर डिफॉल्ट एल्स की तरह ही काम करता है ना? हाँ हाँ हो गया सर। ठीक है बाकी लोगों का? यस सर। अब बनाओ फाइल एक अलर्ट नाम से, अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स बन गया? यस सर। अब देखो अलर्ट, आपने ये अलर्ट बहुत देखा होगा, देखो कुछ ऐसा अलर्ट मैं दिखाता हूँ। देखो देखो ये अलर्ट रन किया, तो दिख रहा है अलर्ट सब लोगों को, है ना? इसको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। तो अब मैंने क्या किया, इस पे प्रोग्राम बनाया छोटा सा, देखो मैंने ए ले लिया 3000, बी ले लिया ए 3 बी 12 है, और मैंने क्या किया, क्या ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है ना बी से, तो ये ट्रू हो जाएगा। अलर्ट में क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर देन, और इसमें ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, है ना? ये तो करेगा ना, देखो आ रहा है ए इज ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमें, अलर्ट बॉक्स, इसका यूज करते हैं मैसेज शो कराने के लिए, ठीक है? और अगर मैं अगर यहाँ पे इसको छोटा कर दूंगा तो देखो बी वाला चल जाएगा। अभी रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू ऑफ बी 1200, ठीक है ना? समझ आ गया, इसको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। सर ये प्लस क्या है सर? अरे जोड़ रहा है ना, बताया ना सीखे थे, ये स्ट्रिंग है और इसमें ए में वैल्यू क्या आ रही है, ओके आपस में इससे स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए और हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाए।
आ गया सबका नोट हो गया अलर्ट बॉक्स। यस सर। अब देखो अब बनाओ फाइल कन्फर्म नाम से कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म में क्या करेगा देखो वो हमसे पूछेगा सब देखो कन्फर्म बॉक्स में वो हमसे पूछता है देखो क्या आप पिनल पोस्टर जानते हो। अब इसमें देखो दो चीज आती है कन्फर्म में एक तो कैंसिल आएगा एक ओके आता है। कन्फर्म में क्या होगा हमसे दो चीज पूछी जाती हैं। तो देखो यहाँ पे सब लोग मैंने आप लिखा कन्फर्म और लिख दिया पी एन इन्फोसिस और लगा दिया क्वेश्चन मार्क ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो इस ए के अंदर क्या शुरू हो जाएगा आके ट्रू क्या आएगा इस ए के अंदर ट्रू। तो मैंने आप इफ कंडीशन लगा दी कि अगर ए में ट्रू आता है तो जो वाला अलर्ट चलेगा और अगर ए में फॉल्स आता है तो एल्स वाला चलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है देखो सर फिर से बता। सिंपल देखो ये कन्फर्म बॉक्स है ठीक है। अब मैंने इस कन्फर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है पी एन इन्फोसिस और क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसका मतलब क्या होता है कि क्या आप जानते हैं पी एन इन्फोसिस को ठीक है। और अगर जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा ओके तो देखो क्या आएगा। अब देखो देखो यार पी एन फोर जानते हो क्या मैंने कर दी ओके तो क्या प्रिंट क्या क्या यहाँ पे ट्रू आया ना तो इस ए में क्या आके स्टोर हो गया सारे लोग बोलो भाई वॉइस आ रही है ट्रू आएगा ना तो तुम एलर्ट में ट्रू प्रिंट इसमें ए में क्या प्रिंट हो गया ट्रू है ना बेसिक सा आया। और अगर मैं कर दूंगा कैंसिल तो फॉल्स आ रहा है तो इस ए में क्या आके आ गया होगा फॉल्स आ गया होगा है ना ट्रू फॉल्स आएगा ना ओके करूंगा तो ट्रू आएगा और कैंसिल करूंगा तो फॉल्स आएगा। इसी को मैंने रख दिया इफ एल्स के अंदर देखो इसी को रखा है मैंने इफ एल्स के अंदर अगर ट्रू आएगा तो थैंक्स चलेगा फॉल्स आएगा तो एल्स चलेगा। ये कन्फर्म बॉक्स एटीएम से रुपये निकालते हो कभी वो पूछता है आपसे कि आपको स्लिप चाहिए कि नहीं चाहिए कंफर्म करता है। अगर डेटाबेस डेटा डिलीट कर रहे होगे तो वापस पूछ लेगा नोट कर लो कंफर्म बॉक्स। बाकी सब नोट कर लें सबका नोट हो गया सर। एक मिनट सर हो गया
हो गया सर। अब देखो, अब बनाओ फाइल एक प्रॉम्प्ट बॉक्स नाम से। प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स का। देखो सेम वही वाला प्रोग्राम आ गया, इफ एल्स वाला, ये वाला लिखना है प्रॉम्प्ट, पी आर ओ एम पी टी प्रॉम्प्ट। अब सब देखो ना यहाँ पे देखो सब लोग, तो अभी ये वाला प्रोग्राम था ना परसेंटेज निकालने का, याद है सबको, 40-80 था ना। तो हम चाहते हैं यूजर से इनपुट लें, हम चाहते हैं यूजर से इनपुट लें, तो अपन क्या लगा देंगे, प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट बॉक्स का, ठीक है ना। पाइथन में इनपुट का यूज करते हैं है ना, और यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स का। अब देखो रन किया, देखो आ गया एंटर परसेंटेज आ रहा है, तो यहां मैंने लिखा 100। देखो आ गया यू आर इन मैरिट, लिखा मैंने 50, एंटर दिया, यू आर इन सेकंड डिवीजन। सचिन ये क्वेश्चन था तुम्हारा, यस सर। तो जो हम टाइप करेंगे वो इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। पाइथन में क्या लेके चलते हैं अपन, इनपुट, वहां पे स्कैनर चलता है, पाइथन में इनपुट चलता है, ठीक है। बस फर्क क्या है कि पाइथन और सी के कोड अपन कहां रन करते हैं, अपने मशीन के अंदर, और जावास्क्रिप्ट अभी हम कहां रन कर रहे हैं, ब्राउजर पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अभी ब्राउजर पे। और जब आप सीखोगे बैकएंड में, जब बैकएंड करोगे अभी, जब सीखोगे ना नोड जेएस, तब आप जावास्क्रिप्ट के कोड कहां रन करोगे, मशीन के अंदर। देखो लिखा है ना रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, इस नोड जेएस ने तो जावास्क्रिप्ट को बना दिया पावरफुल, जानते आप लोग, इस नोड जेएस ने, है ना। नोट करो, हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था कि हर वेबसाइट अब इसी बन रही है, रिएक्ट पे जावास्क्रिप्ट पे दिखाया था सबको। अब इसको नोट कर लो, देखो ये कोड वहीं से कॉपी कर लो, इफ एल्स वाला कोड वहीं से कॉपी कर लो बस, और इतना ही लिख लो बस। बाकी यहाँ पे लिखा है अलर्ट, तो आप अलर्ट लगा लेते हैं बाद में, अभी चला के देख लो आप लोग, ये पूरा नोट मत करो, इफ एल्स वाला प्रोग्राम कॉपी कर लो प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर, इतनी लाइन लिखनी है आपको बस, ठीक है, और चेक करो उसको। सर आपके में रिजल्ट बॉक्स के अंदर आ रहा था, मेरे में पेज पे शो हो रहा। हाँ तो वो तुम्हारे में डॉक्यूमेंट लगा हुआ है ना, इसलिए वहाँ पे अलर्ट लगा लो।
हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया? यस सर। चलो समझ में आ गया इतना आप लोगों को? समझ में आ गया सबको इतना? ठीक है सब लोग घर पे देखो देखो जिनको नहीं पता वो देखो जो फ्लिपकार्ट है ना ठीक है अब देखो तो दिखा सबको जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ठीक है ऐसी कोई वेबसाइट आप लोग को बताया था ना आप लोग भी चेक कर सकते हो ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज ना आ रहा हो आप लोग ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना अपने में आप लोग भी चेक कर लेना वेबसाइट ओपन करके आपको खुद मालूम पड़ जाएगा हर वेबसाइट में जैसे गूगल मीट है अगर इसका मैं चेक करूं देखो देखो दिख रहा है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क दिख रहा है रेडक्स व्यूजेस ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट का यूज ना हो रहा हो हर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी यूज कर